शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। सभी का बाजारों के सितारे में, मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। यहां पर शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार का अपडेट के साथ साथ आपका राशिफल। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहां पर राशिफल से कि आज का दिन कैसा रह सकता है, किन राशियों में आज पैसा कमाना लिखा हुआ है और किन राशियों को आज नुकसान या फायदा है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने ऐशोमनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट टाइम्स पर। शुभ प्रभात अखिलेश शाठी जी एवं मार्केट टाइम्स की सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय ऐशोमनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल स्पोकमैन, डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम्स टीवी के सही प्रयासों से ये शुभ प्रसारित किया जा रहा है 22 फरवरी 2022। दोस्तों, आज सबसे पहले राशिफल भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु राशि मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही है। 1 से 2 बजे के बीच में अधिक सावधानी रखिए। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि। आज दिन आपके लिए मुफीद रह सकता है, लाभ कमा सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में अधिक सावधानी रखनी उचित रहेगी। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 11 से 12 बजे के बीच में अधिक सावधानी मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही है। 11, 12 जल तत्व की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। परेशानियां बढ़ सकती हैं, हाथ में आया हुआ मुनाफा निकल सकता है, सावधानी रखिए 12 से 1 बजे के बीच। ये अखिलेश जी का जी। कर्नल जी, इसी के साथ बात करें अगर कमोडिटी बाजार की, और कमोडिटी बाजार में बात करें अगर स्पेसिफिकली सबसे पहले एग्री में मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि आज कुछ हल्की हल्की करेक्शन बनती नजर आ रही है। मसालों की जो कीमतें हैं वायदा बाजार में ऊपरी स्तर से कुछ हल्की नरमी के साथ ट्रेड कर रही हैं। सबसे पहले बात की जाए यहां से अगर जीरे की, तो जीरा देख रहे हैं 22,000 से नीचे फिसला है। ऐसे में आपको क्या लगता है आज जीरे में क्या संभावना है? देखिए, मैंने हमेशा आपसे यही कहा है कि सांस लेने के बाद छोड़नी भी पड़ती है जी। बाजारों के अंदर तेजी आती है एक सीमा के बाद, तेजी के बाद में उसमें भी मुनाफा वसूली आती है, तो उसके लिए कोई हैरान परेशान नहीं होना चाहिए। इंटरडे के अंदर जीरे के अंदर कमजोरी की संभावना बन सकती है, इसके अतिरिक्त धनिया भी कुछ आज कमजोरी दिखा सकता है। जो इंटरडे में काम कर रहे हैं आज उनको जीरे और धनिया में खरीदारी से बचना चाहिए। जी अखिलेश जी जी, इसके साथ कलर जी बात करें यहाँ से अगर धनिये की, तो धनिये में आपको क्या लगता है, धनिये में भी देख रहे हैं कुछ हल्की नरमी देखने को मिली है? धनिये के अंदर भी वॉलेटिलिटी जारी रहने की संभावना है, और धनिये में करीबन जिसमें तेज उतार चढ़ाव रह सकता है, तो धनिये से एक आध दिन दूर रहे तो बेहतर रहेगा। जी अखिलेश जी, कर्नल जी बात करें यहाँ से अगर आप नॉन एग्री की, तो नॉन एग्री में आपको क्या लगता है? नॉन एग्री में देखिए, रूस और अमेरिका भी के बीच में यूक्रेन को लेकर जो तनातनी चल रही है, और रूस ने पूर्वी यूक्रेन के कुछ हिस्सों को जो कि अलगाववादी माने जाते हैं उनको मान्यता दी है, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन माना जाता है, और वहां पर संभवतः रूस अपनी सेना नहीं भेजते, तो इसको लेके जियो पोलिटिकल टेंशन बढ़ सकता है। गौरतलब है कि इससे क्योंकि रशिया जो है कच्चा तेल और कच्चे तेल के साथ साथ में नेचुरल गैस का प्रमुख उत्पादक देश माना जाता है, और 13% से अधिक का उत्पादन रशिया करता है, जबकि प्राकृतिक गैस जो है उसके अंदर भी 6.2% गैस का उत्पादन
रशिया करता है, और गौरतलब है यूरोप की लगभग 40% से अधिक जो गैस की सप्लाई है वो रशिया द्वारा दी जाती है, और वो जो गैस पाइपलाइन है वो यूक्रेन को से टच होके जाती है। अभी युद्ध होता है तो इससे काफी परेशानियां बढ़ सकती है। इस पर यदि रूस की उत्पादन की हिस्सेदारी समझे हम तो निकल में 5.3%, एल्युमिनियम में 4.2% और कोयले में 3.5%, अभी 2.6%, गैस तो ये जो प्लेटिनियम लगभग 15.1% और सोने में 9.2% की हिस्सेदारी है। तनाव बढ़ेगा और ये उचित भी नहीं है। इन सबको देखते हुए नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के दामों के अंदर तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जी इसी के साथ कर्नल अजय जी बात करें यहाँ से अगर शेयर बाजार की स्टॉक मार्केट की, तो आज शेयर बाजार में कैसी हलचल देखने को मिल सकती है, मंदी रहेगी तेजी, और किन स्टॉक में आज क्या निवेश रहेगा? देखिए जियो पॉलिटिकल टेंशन जब भी माउंट होता है उससे शेयर बाजार को बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि पेट्रोलियम का बढ़ जाना, कंपनियों के पेट्रोल डीजल और जो विमान फ्यूल है यानी एविएशन फ्यूल है और गैस के दाम बढ़ सकते हैं, इससे न केवल निजी वाहन चलाना महंगा होगा, माल ढुलाई ये भी महंगा हो सकता है, और माल ढुलाई महंगा होने से सभी खाद्य पदार्थों पे इसका असर पड़ सकता है। गौरतलब है कि भारत खाद्य पदार्थों का नेट इम्पोर्टर है, खासकर एडिबल ऑयल। यदि दाम बढ़ते हैं इसका सीधा सीधा असर इंटरनेशनल कार्गो पर भी पड़ता है, और ऑलरेडी वो 3-4 गुने महंगे चल रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए बाजारों के अंदर, शेयर बाजार के अंदर परेशानियां बढ़ सकती है और शेयर बाजार के अंदर गिरावट हो सकती है, लेकिन अच्छे शेयर्स को निचले स्तर पर खरीदने का एक अपॉर्चुनिटी भी है। आप ऑयल एंड गैस के ONGC के ऊपर नजर रख सकते हैं, कोल इंडिया पे नजर रख सकते हैं, स्टॉक्स पर निकले स्तर पर खरीदारी सुझा सकते जी। तो कर्नल अजय जी के मुताबिक आज शेयर बाजार में कुछ मंदी की संभावना बनती नजर आ सकती है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आज कुछ ऐसा रहने वाला है आज शेयर बाजार, कम्युनिटी बाजार और आज आपका राशिफल। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।